अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, अगर आपने अपना फ़ोन रीसेट किया है और आपके पास भी ये मोबाइल डेटा का 4G एरर आ रहा है सिम लगाने के बाद, तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप करते हुए देखें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन का ऑप्शन है इसको भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पे, इस पर अभी आपको 4G एरर दिख रहा होगा, तो ये मैं आपको प्ले स्टोर पे भी जाके चेक करा देता हूँ। अभी हम लोडिंग करके चेक करते हैं, ये देखें अभी हमारी लोडिंग नहीं हो रही, तो ये मेरा एरर आ रहा है 4G का। अभी इसको हम सही करते हैं। तो सही करने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग ओपन कर ली हमने। सेटिंग ओपन करने के बाद आप जाएंगे डेटा यूजेज में। डेटा यूजेज में जाने के बाद आप इसमें, आपको तीन डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ आप क्लिक करें। इसमें लिखा हुआ है कैल्यूलर नेटवर्क, यहाँ आप क्लिक करके एसिस पॉइंट नेम में जाएंगे। यहाँ जाके आपको ये प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ आपको नई APN सेट करनी पड़ेगी। अभी हमारी जो पुरानी APN इस मोबाइल की जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही आपकी सिम को डेटा के लिए, तो हमको प्लस का ऑप्शन दबा के न्यू APN सेट करनी पड़ेगी। तो आपकी सिम का जो नेटवर्क है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे नेम में जाके। मेरा नेटवर्क अभी जेज है, तो मैं जेज टाइप करूँगा। नेम में जेज टाइप कर दिया और APN भी जेज लिखेंगे, ओके कर दिया। इसके बाद तीन डॉट पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। तो अभी हमारी ये नई APN सेट हो गई है, अभी हम इस पे चेक कर देते हैं। तो देखें, ये हमारा ये 4G रीसेट हो गया है और हमारा नेटवर्क ऑन हो गया है। अभी मैं आपको चेक भी करा देता हूँ कि हमारा ये नेटवर्क सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। वापसी हम प्ले स्टोर पर जाएंगे और देखें, अभी नहीं आ रहा। अभी हम इसको ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे और देखें, आपके सामने ये लोडिंग हमारी हो गई है। तो व्यूवर्स, आप भी इसी तरह सेटिंग करें, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन का ऑप्शन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।